हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट में यहाँ पे जो लीनियर अलजेब्रा है उस पर वैक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, देन उस पर बेस्ट थ्योरम है, एग्जाम्पल है, वो मैंने लिए है। स्टूडेंट आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि बेसिस क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, इस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपके सामने लूंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे जो प्रीवियस वीडियोज हैं वैक्टर स्पेस वो एक बार आप आईटेप पे जाके देख लीजिए, प्लस ग्रुप थ्योरी की वीडियोस भी हैं वो भी एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मेरा एक नया चैनल है जहां पर मैंने एप्टीट्यूड के वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किए फॉर सीएसईआर नेट एग्जाम। स्टूडेंट अगर आप लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आप सीएसईआर नेट एग्जाम दे रहे हैं तो मेरा जो चैनल है नया वाला वो बहुत ही हेल्पफुल है, वो भी यहाँ पे आईटी पे जाके आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे आज। तो स्टूडेंट बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होता है? एनी सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वी एफ इफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो भी सबसेट एस है वी एफ वैक्टर स्पेस का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्लस एस जनरेट्स वी, मतलब जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स है वो वैक्टर स्पेस को क्या करने चाहिए, जनरेट करने चाहिए, या एस इज स्पान ऑफ वी होना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा होता है तो वो क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है, राइट? मतलब एल आई वैक्टर्स होना चाहिए प्लस वो इसको क्या करना चाहिए, जनरेट होना करना चाहिए, राइट? जैसे साइक्लिक ग्रुप होता है ना, एक एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे जो एल आई वैक्टर्स होते हैं उससे पूरा वैक्टर स्पेस क्या होना चाहिए, जनरेट हो जाना चाहिए। लाइक जो एस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्पान ऑफ वी होना चाहिए, राइट? Each vector in V is uniquely expressed as a linear combination of basis of vector. The standard basis of V2F, इसमें यहाँ पे V2F की जो standard basis होते हैं, मतलब two tuples वाले like 0, 1 and 1, 0, right? इसमें VNF, n tuples वाला क्या होता है, 1, 0, 0, 0, 0, 1, मतलब ये 1 यहाँ shift हो जाएगा, फिर next में 1 shift हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास ये होते हैं standard basis, right? स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि शो दैट द वेक्टर 100110 and 1111 है ना फॉर्म अ बेसिस ऑफ R3। आपको पूछा जाए कि इसको आप बेसिस प्रूव करिए, तो स्टूडेंट कैसे हम यहाँ पे बेसिस प्रूव करते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जब भी बेसिस की बात करी जाती है सबसे पहले आपको एल आई प्रूव करना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो स्टूडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे करते हैं, तो मेरा आई टेप पे जाके पुराना वीडियो देख लीजिए, एल आई और एल डी के बारे में बहुत अच्छा मैंने समझा रखा है, राइट? तो देखिए फिर भी आपको समझाता हूँ यहाँ पे, है ना, कैसे करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे A1, A2, A3 जो है वो फील्ड से लेंगे, स्केलर्स लेंगे, और ये हमारे पास वेक्टर्स दे रखे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, राइट? A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इज इक्वल टू 0, है ना? फिर यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, फिर मैं A1 A2 A3 की वैल्यू निकालूंगा। अगर A1 A2 A3 सभी 0 आ जाते हैं, है ना, कोई भी नॉन जीरो नहीं आना चाहिए, तो हमारा LI हो जाएगा, राइट? तो वही हम कंसेप्ट यहाँ प्रूव करेंगे। तो ये सबसे पहले A1 A2 एंड A3 इसका A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ लेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट के लास्ट बराबर 0। इसमें पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा, तो इसको बराबर रख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाएंगे, कॉफिशियंट मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट? कैसे बनेगा, 1 1 1, फिर 0 1 1, फिर 0 0 1। इसमें ये देख रहे हो आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 1 होगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना? इसका मतलब ये जो वैक्टर होगा ये क्या होगा, एल आई होगा, है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर होगा, राइट? और यहाँ पे इनके जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे, 0 आएंगे, और ऑब्वियसली ये एल एस क्या होगा, V3 को क्या करेगा, पूरा जनरेट करेगा, राइट? तो ये हमारे पास क्या होंगे, स्टैंड बेसिस होंगे, राइट? स्टूडेंट यहाँ पे डायमेंशन की बात होती है, तो डायमेंशन क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फाइनाइट बेसिस। स्टूडेंट जो बेसिस के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो हमारा क्या होता है, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस कहलाता है ना। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनाइट बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय डायमेंशन ऑफ वी, एंड इफ डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन देन वी इज कॉल्ड एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर बाय चांस के अंदर डायमेंशन एन है तो उसको हम एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है, अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज सेट टू बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इफ इट हैज फाइनाइट बेसिस। ऑब्वियसली फाइनाइट बेसिस होगा तो डायमेंशन भी फाइनाइट होगा, राइट? है ना, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है, अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज सेट टू बी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इफ इट हैज इनफाइनाइट बेसिस। मतलब उसके जो इनफाइनाइट यहां पे क्या होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। जैसे सी ओवर क्यू है, आर ओवर क्यू है, ये क्या होता है, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होते हैं, राइट? बताऊंगा अभी, है ना। इस पर एग्जांपल देखिए, जैसे सी ओवर आर है ना, सी ओवर आर हमेशा क्या होता है,
टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, यहाँ पे वन और आयोटा इस पूरे वेक्टर स्पेस को क्या करता है, जनरेट करता है, राइट, है ना। तभी तो हम यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं ना, तो वन और आयोटा इसको क्या करेगा, जनरेट करेगा। स्टूडेंट एफ ओवर एफ, ये हमेशा जो फील्ड खुद पे वेक्टर स्पेस बनाता है, जैसे क्यू ओवर क्यू है, आर ओवर आर, इनका हमेशा डायमेंशन कितना होता है, वन होता है, दैट इज वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, है ना। जैसे आर टू ओवर आर, है ना, ये क्या होता है, टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस 0 1 1 0 होता है। ऐसे ही एफ एन ओवर एफ, है ना, इसको बोलते हैं एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और उसके जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो ऐसे होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 स्टेप्स होते हैं। इसमें सी ओवर क्यू एंड आर ओवर क्यू, ये भी वेक्टर स्पेस होते हैं, और ये क्या होता है, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है। इसमें मैट्रिसेस की बात करें तो डायमेंशन ऑफ ए एम इनटू एम इनटू एम क्रॉस एन आर, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, एम एन होता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूं कि एम थ्री क्रॉस टू की मैट्रिक्स है, तो उसका डायमेंशन कितना होगा, 6 होगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे डायमेंशन को देखते हैं। वापी देखो, इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के डायमेंशन के क्वेश्चंस होते हैं जो सीएसआर नेट और आईआईटी जेएम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं अलग से कराऊंगा जब मैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराऊंगा मेरे नए वाले चैनल पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डायमेंशंस को निकालते हैं। खैर, अभी मैं थ्योरी प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूं कि जो आप थ्योरी एग्जाम लिखते हैं उसके लिए कंटेंट कैसे आपको यहां पे प्रिपेयर करना है, राइट। इसमें यहां पे एग्जांपल है जो मैं बता चुका हूं आपके, भी बताया था मैंने कि शो दैट दिस इज अ फॉर्म अ बेसिस फॉर अ आर थ्री आर, आपको बताना है कि ये बेसिस है, राइट। तो मैंने भी बताया था आपको ए वन, ये हमारे पास वेक्टर्स रह रहे हैं, ए वन ए टू ए थ्री ले लेंगे हम, यहाँ पे वही लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, जीरो जीरो करेंगे। इसमें हम जानते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल आई वैक्टर्स हो जाएंगे ना, और इसका जो रैंक है वो भी 3 आएगा। आप देख रहे हो इसका जो रैंक आएगा वो भी क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 रैंक आएगा इसका, क्लियर है। अब 3 रैंक आएगा तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, दैट इज द नंबर ऑफ अननोन ऑफ ए टू ए वन ए टू ए थ्री, है ना। हैंस देखो, हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि जो नंबर ऑफ रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर होने चाहिए, है ना, है ना। तो रैंक इसकी 3 है और नंबर ऑफ अननोन कितने, 3 है, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ये क्या है, एल आई है, राइट। हैंस द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ए वन इज इक्वल टू 0, ए टू इज इक्वल टू 0 एंड ए थ्री इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ अगेन द डायमेंशन ऑफ आर थ्री इज 3, है ना। हैंस, अब देखो यहाँ पे जब भी एक थ्योरम होती है, और थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस थ्योरम से हम यहाँ पे कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ही बोला गया कि शो दैट द वेक्टर दिस फॉर्म अ बेसिस फॉर आर थ्री आर, है ना। तो पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि बेसिस है, फिर आपको ये पता लगाना है कि फॉर्म ये पूरा क्या कर रहा है, इसको जनरेट कर रहा है, आर थ्री आर को जनरेट कर रहा है, राइट। मतलब ये फॉर्म अ बेसिस ऑफ फॉर आर थ्री आर, है ना, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो थ्योरम बेस्ड होगा, अगेन द डायमेंशन ऑफ आर थ्री आर थ्री, हैंस बाय द थ्योरम एनी सेट ऑफ थ्री एल आई वैक्टर्स इज अ बेसिस ऑफ आर थ्री। मतलब थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान दीजिए, इफ वी एफ इज अ फाइनाइट जनरेटेड वैक्टर स्पेस, सुनिए यहाँ पे फाइनाइटली जनरेटेड वैक्टर स्पेस, क्योंकि इसका बेसिस कितना था, 3 था, है ना, तो ऑब्वियसली फाइनाइटली जनरेटेड ही होगा, है ना। और वैक्टर स्पेस डायमेंशन एन, है ना, यहाँ पे डायमेंशन कितना था, 3 था, देन एनी सेट ऑफ एन एल आई वैक्टर्स इन वी फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ वी। मतलब अगर ये फाइनली जनरेटेड है तो वो हमेशा अपने बेसिस को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिस कितना है, इसका डायमेंशन कितना था, 3 था, बिकॉज लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली 3 ही वैक्टर है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा, है ना। देन एनी सेट ऑफ एन एल आई वैक्टर्स इन वी फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ वी, तो इस थ्योरम से हम इसको मतलब यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करना, राइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे शो दैट द वैक्टर्स 2 1 4 1 -1 2 and 3 1 -2 फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर थ्री आर, राइट। तो आप देखेंगे इसका जो बेसिस हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, वही हम ए वन ए टू ए थ्री लेंगे, देन इसका हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके कॉफिशियन मैट्रिक्स बनाएंगे, और कॉफिशियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये हमारे पास क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, देन नंबर ऑफ अननोन्स कितना है, ए वन ए टू ए थ्री, दोनों बराबर हो रहे हैं, हैंस ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ए वन इज इक्वल टू 0, ए टू इज इक्वल टू 0 एंड ए थ्री इज इक्वल टू 0, हैंस देयरफॉर दिस इज अ एल आई, है ना। आल्सो द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस आर थ्री इज 3, हैंस बाय थ्योरम जो मैंने बताया एनी सेट ऑफ एल आई वैक्टर इज इज बेसिस ऑफ आर थ्री, है ना। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, हमारा बेसिस ऑफ आर थ्री होगा, देयरफॉर द सेट दिस इज अ बेसिस ऑफ आर थ्री। तो इस तरह से कर रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए एक और यहाँ पे, शो दैट द फॉलोइंग सेट एस ऑफ आर थ्री बेसिस ऑफ फॉर्म अ बेसिस, आपको यहाँ पे कितने तरह के 3 वैक्टर्स दे रहे हैं, आपको पता लगाना कि क्या कर रहे हैं, बेसिस को फॉर्म कर रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव बेसिस वेक्टर्स, राइट। आपको इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ भी लिखना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, वी नो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स 1 0 0 0 1 0 फॉर्म अ बेसिस ऑफ आर थ्री, हम जानते हैं ये बनाता है ना, ये हमारे स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, राइट। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ आर थ्री इज इक्वल टू 3, फर्दर वी नो दैट द सेट एन इज इन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ फॉर्म अ बेसिस ऑफ वी,
है ना। तो देखो आपको कुल मिला के एक तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है, प्लस आप इसका चेक कर लीजिए कि ये एल आई आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये एल आई आ रहा है तो फिर हम इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ लिखेंगे। तो बताऊँ कैसे लिखेंगे वो आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे यहाँ पे कि एल आई है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट ए वन ए टू ए थ्री के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमने पहले किया वही कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री की हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। मतलब ये क्या है, बेसिस है, मतलब एल आई है ना। नाउ रैंक ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री एंड नंबर ऑफ अननोन थ्री है ना, बराबर आ रहा है। हेंस द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ए वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री इज इक्वल टू जीरो, हेंस देयरफॉर द सेट ऑफ एस इज एल आई। ये तो हो गया यहाँ तक, क्लियर है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, कैसे हमारे पास यहाँ पे बेसिस को फॉर्म करना है। तो मान लीजिए फर्स्ट स्टैंडर्ड बेसिस क्या रहेगा, वन जीरो जीरो है ना। तो ए बी सी जो लीनियर कॉम्बिनेशन उससे ये बेसिस जनरेट होगा, राइट। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रख देंगे, है ना, इसको इसके बराबर लाइक वन जीरो जीरो इसके बराबर रखेंगे, राइट। तो देखो क्या होगा, पहली इक्वेशन क्या है, ए प्लस टू बी प्लस सी, ए प्लस टू बी प्लस सी किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। देन टू ए प्लस बी इज इक्वल माइनस सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, राइट। ऐसे ही आएगा स्टूडेंट, क्या करो ए बी सी की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालो। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ये ए बी सी की वैल्यू उठा के वापस यहाँ रख दीजिए, माइनस टू बाई नाइन, ये फाइव बाई नाइन, वन बाई नाइन, तो इससे ई वन निकल जाएगा आपके पास, है ना। दस शोइंग दैट ई वन कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, है ना। इसी टाइप से आप ई टू को दिखा सकते हो, है ना, ई टू को इसी तरह से दिखाना है एंड ई थ्री को इसी से दिखाना है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द एस आपको देखा ए प्लस आयोटा बी एन सी प्लस आयोटा डी इज अ बेसिस ऑफ सेट ऑफ सी ओवर आर इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। वैसे आप मैट्रिक्स बना के देखो तो सीधा हो रहा है, खत्म हो रहा है क्वेश्चन, पर कैसे इसको प्रूव करना है क्योंकि एग्जाम में आपको प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट टू शो दैट एस इज एल आई, तो इसमें क्या करेंगे, ए वन ए टू बिलोंग्स टू आर, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, है ना। ये हमारे पास वेक्टर है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ये ए ए वन प्लस ए टू सी, है ना, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आयोटा वाली को अलग लिख लिया, इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा, इसमें ये क्या होगा, ये जीरो के बराबर होगा क्योंकि रियल रियल के बराबर होता है, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर होता है, इसको जीरो के बराबर रखेंगे, इसको जीरो के बराबर रखेंगे, राइट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, इसको ए से मल्टीप्लाई किया और इसको बराबर जीरो को करके इसको बी से मल्टीप्लाई किया, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को माइनस करेंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, मेरी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से ए टू कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, और ए टू कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, सी बी होगा। एक्चुअली गलत करा इसको, यहाँ पे क्या होगा, ए से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे ये सी बी आएगा, एक्चुअली गलत ही हुआ यहाँ पे, ए वन बी ए है ना, और ए टू सी बी, एक्चुअली सी बी ए यहाँ पे है ना, ठीक है, सी बी ए है ना। तो ए डी ए सी बी माइनस डी ए आ जाएगा, है ना, सी बी माइनस डी आ जाएगा, ए टू कॉमन आ जाएगा। तो हम जानते हैं या तो ए टू जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, पर हम जानते हैं ए टू जीरो के बराबर, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इस तरीके से आप इसको हम प्रूव करते हैं, राइट। इसमें अब वापस क्या करना है, अब ए टू इज इक्वल टू जीरो, देन वी गेट ए वन इज इक्वल टू जीरो, जैसे एल आई और आर ओवर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो कर ही दिया हमने। नाउ नाउ शोइंग दैट सी ओवर आर इज इक्वल टू एल एल ओवर एस, तो आपको ये पता लगाना है कि ये पूरा जो बेसिस है इसको पूरा सी ओवर आर को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, लेट गामा इज इक्वल टू ई प्लस आयोटा एफ, सी ओवर आर हमने लिया, मतलब ऐसा एक एलिमेंट लिया है ना, तो गामा इज इक्वल टू ई प्लस आयोटा एफ। तो इसमें यहाँ पे क्या करा, ई यहाँ वैल्यू रखी हमने, ए ए प्लस आयोटा बी एंड ए टू C प्लस आयोटा डी, जहाँ पर ए वन ए टू किस पे जा रहे हैं, R पे, R में बिलोंग कर रहे हैं, राइट। नाउ E हम इसको इसके बराबर रखा हमने, तो सुनिए ए वन इससे मल्टीप्लाई होगा, ए टू से मल्टीप्लाई किया हमने, अब हम जानते हैं रियल रियल के बराबर होगा और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर होगा। देन हम यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ए वन और ए टू की वैल्यू निकालेंगे, ए वन ए टू की वैल्यू आई। नाउ गामा बिलोंग्स टू सी और आर, कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस, है ना, इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिख सकते हैं। सो सी ओवर आर इज इक्वल टू एल ओवर एस, है ना, इज इक्वल टू एल ओवर एस, देन ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, हैंस एस इज बेसिस ऑफ सी ओवर आर इफ ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू टू। तो बहुत ईजिली हम इस तरह यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसमें ये एक और क्वेश्चन है जिसको समझने की कोशिश करिए आप, देखो यहाँ पे करा, ले वी थ्री और आर विद अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फैक्टर्स, आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालना है ना, जहाँ पर आपको गामा वन गामा टू गामा थ्री आपको दे रखा है, मतलब अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आपको वैक्टर्स दे रखे हैं रिलेटेड टू द बेसिस दिस, आपको इस बेसिस पे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, राइट। तो देखो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट ए वन ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू आर लेंगे, देन इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे, राइट। अब देखो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है और हमें क्या करना है, ये आपको इस अल्फा वन के कॉरस्पॉन्डिंग निकालो, तो अल्फा वन यहाँ रख दीजिए, राइट। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन मिल जाएगी, देखो एक तो ए वन मिल जाएगा, है ना, ए वन प्लस ए टू और ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, इन दोनों को बराबर कर लीजिए यहाँ पे, तो आपके पास इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से ए वन
A2 और A3 की वैल्यू मिल जाएगी, ये वन A2 A3 आपके पास क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 3 - 2 - 5, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट मुझे लगता है बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो बेसिस में कुल मिला कि एक ही चीज़ की बात करनी है यहाँ पे, कि जब भी हमें ये पता लगाना है कि बेसिस है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे उसका सीधा डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है वो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वो बेसिस को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। पर कभी कभी स्टूडेंट कभी कभी चार वेक्टर वाला क्वेश्चन भी आ जाता है ना, कि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 1, 2, 3 दे दिया, फिर एक और कुछ दे दिया, ऐसे चार वेक्टर्स दे दिए है ना, और फिर आपसे पूछे कि ये बेसिस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसकी रेंज हमेशा 3 ही आएगी और वैक्टर 4 है, तो ये हमेशा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, तो बेसिस को फॉर्म नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर कभी कभी पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में ये क्या होता है, बेसिस नहीं फॉर्म करता है, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, पर नेक्स्ट जो भी अगला क्लास लूंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूं, उसके बाद फिर हम रैंक और आगे वाले जो क्वेश्चन है उन पे आएंगे, ओके। पर स्टूडेंट मैं आपको फिर से बता दूं कि IIT-JAM, CSIR, NET जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं अलग सेपरेट लूंगा, इसमें नहीं लूंगा, वो अलग चलेगा, राइट। पर आप इसको कनेक्ट ना करेंगे सर ये तो आप पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट्स तो बता नहीं रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, भैया वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़, राइट। ये थ्योरी एग्जाम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और स्टूडेंट मेरे लास्ट में वीडियोस है, ये CSIR NET की प्लेलिस्ट है, स्टूडेंट ये जो प्लेलिस्ट है ये मेरी लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये दोनों मेरे चैनल है, स्टूडेंट एप्टीट्यूड वाला चैनल जहाँ पर मैं CSIR NET के एप्टीट्यूड की वीडियोज़ या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एप्टीट्यूड की वीडियोज़ डाल रहा हूँ, ये मेरा हायर मैथमेटिक्स का चैनल जहाँ पर आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करें, शेयर करें चैनल को, जरूर किसी न किसी के साथ शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।